abbia. Dico? Dico lo abbia. नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं हूं आपका शुभ चिंतक सिनर मैन और आज हम आपके लिए लेकर आए एक और एपिसोड देसी हीरो स्पॉटलाइट का। ये वीडियो चालू होने से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा। प्लीज आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी करना मत भूलिए। और प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए अगला स्पॉटलाइट मैं किस पे बनाऊं। प्लीज तो आज का देसी हीरो स्पॉटलाइट है वायलेट गुइनेवियर उर्फ गुणवंता। चलिए आइए गुणवंता के ओरिजिन स्टोरी की तरफ देखते हैं। दूर देश में एक परिवार हुआ करता था जिसका नाम था बरोखा, जो कि अपने तलवारबाजी के टेक्निक और स्किल के लिए जाना जाता था। इस परिवार में पैदा हुए लैंसलॉट और उनकी नन्ही सी बहन गुणवंता। बचपन से ही गुणवंता को तलवारबाजी से सख्त नफरत थी। उसे सिर्फ लड़कियों वाली प्यारी सी चीजें पसंद हुआ करती थी, जैसे कि इंस्टाग्राम पर दिन भर हजार सेल्फी डालना या तो फिर टिकटॉक पे वीडियोस बनाकर उसे वायरल कराना। गुणवंता बचपन से ही परियों जैसे उड़ने के ख्वाब देखती थी। उसे पता था ये हासिल करने के लिए उसे काला जादू सीखना पड़ेगा, इसलिए उनके परिवार ने इसे एक तांत्रिक के पास काला जादू का स्टडी करने के लिए भेजा। बचपन से ही गुणवंता के गांड में बहुत कीड़े थे। वो जो भी जादू छोना सीख के आती थी वो अपने बड़े भाई लैंस पर इस्तेमाल करके एक्सपेरिमेंट करती थी। इससे गुणवंता का प्रैक्टिस तो हो गया, लेकिन लैंस के दिमाग में काफी बड़ा केमिकल लोचा हो गया और इसी प्रोसेस में लैंस ने अपनी मर्दानगी हमेशा के लिए खो। We can't be engaged anymore. Your parents need to take you back and find you a husband elsewhere. What's wrong with you? I have something to tell you. I'm a homosexual. All right. Don't mention. Not women. लेकिन लैंस अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करता था, इसीलिए उसने इस बात को जाने दिया और अपना हिजड़े जैसा रूप उसने स्वीकार कर घर छोड़कर मोबाइल लेजेंड्स की दुनिया में चला गया। कुछ साल बाद पैक्सली परिवार की तरफ से गुणवंता के लिए शादी का रिश्ता आया, लेकिन गुणवंता को ये राजी नहीं था। गुणवंता के पिताजी उसे पैक्सली के बेटों से शादी करवाना चाहते थे जबरदस्ती। ये गुणवंता को बिल्कुल स्वीकारना था और वो अपना बोरिया बिस्तर बांध के अपने छक्के भाई लैंस के तरफ रवाना हो गई। चलिए आइए गुणवंता के स्किल्स की तरफ जाते हैं। पहला स्किल है काले कंचे। गुणवंता अपने छोटे से पर्स से निकाल के एक बड़ा सा काला कंचा एनिम की तरफ फेंकती है। लैंस और ओडेट के ब्रेकअप के बाद ओडेट ने ये रूमर फैलाया था कि गुणवंता के पास जो है वो लैंस के टट्टे हैं। जो भी हो कंचे फेंक कर इसे कूल डाउन रिडक्शन मिलता है हर एक इस पे और एनिमी स्लो डाउन भी होता है। गुणवंता का सेकेंड स्किल है छलांग मार ऊपर उठा और चूतिया काट। जी हाँ, इस स्किल में गुणवंता अपने एनिमी पर छलांग मारती है, उसे ऊपर उठाकर सुन्न करती है, फिर अपना छलावा छोड़ते हुए उनका चूतिया काटते हुए वहां से कट लेती है। क्या आपको लोगों की जिंदगी में छलांग मारकर उनके साथ खुशियां मनाकर उनका चूतिया काटकर भागने में मजा आता है? तो ये हीरो आपके लिए है। मैं उसे बहुत प्यार करता था। hey, focus, focus, focus! गुणवंता का अल्टीमेट है मुजरा। जी हाँ, गुणवंता हवा में उड़कर अपने कंजों के साथ मिलकर एक मुजरा पेश करती है एनिमीज के लिए। लेकिन गुणवंता के पास एक स्पेशल स्किल है। अगर किसी ने उसे नॉकअप किया हो या खुद ने नॉकअप किया हो सेकंड स्किल से, तो गुणवंता अपने साथ सबको मुजरा करवाती है और सबका जीना हराम कर देती है। और फाइनली गुणवंता का पैसिव है फेमिनिज्म। गुणवंता के साथ जो ज्यादा देर बदतमीजी करेगा उतना ही उसका बार फुल होगा, और जब उसका बार फुल होगा तो वो एक कस के चमाट लगाएगी और उसका एचपी हील होगा और मैजिक डैमेज भी ज्यादा आएगा। That's all. और इसी के साथ मोबाइल लेजेंड हर बार
एक रिकमेंडेड बिल्ड देता है जो कि एक ग्रैंड मास्टर भी शायद यूज ना करता। इसी के साथ दोस्तों मेरा देसी हीरो स्पॉटलाइट खत्म होता है गुणीवंता के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको नेक्स्ट हीरो कौन चाहिए जिसपे मैं देसी हीरो स्पॉटलाइट बनाऊं।